हाँ, महर शुएब नकवी ने बताया उनकी सास ने उन्हें पहनाया था। तो मैंने ये देखा है, कच्चा जोड़ा। हाँ, हमारे जानने वालों ने वो तो दुल्हन बन के जो ससुराल आई तो वो उसी जोड़े में आई। मे बी के अभी हमारा सामान जो है, हमारा ऑर्डर जो है वो आ चुका है। समीका की खुशी देखे, आगे चलो इतना हम हो जाते हैं। परमिशन आप लोग दे रहे हैं एकदम, ये बच्चे जो है ये बिल्कुल एकदम लगे हुए। और चलो देख लो सब आओ, अपने अपनी शक्लें देखो, सब खेल खेल के क्या हालत। यहाँ पे समीका भी लगी हुई है व्लॉगिंग में, ये देखें। और बच्चे जो है आके झक झक के जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, मज़े आ गए वो सीढ़ियों से। हमारा डाइनिंग टेबल और अरमान हसन और हीरा लाइफ, आप दोनों ने एक बात बोली, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला, अपने तौर पे बिल्कुल ठीक बोला। क्योंकि काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चल रही थी कि मैं आईफोन ले लूँ, और मैं कह रही थी कि नहीं मुझे नहीं लेना है, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पे आईफोन नहीं है, ठीक हो गया। क्योंकि मेरा ऐसा मानना, क्योंकि मुझे कभी भी आईफोन की ज़रूरत नहीं रही, और ना ही आप लोगों ने अरमान हसन लाहिरा लाइफ और जितने भी मुझे देखने वाले, जो मुझे प्यार करने वाले, ना ही उन्होंने कभी मुझे कहा कि तुम आईफोन लो। इस तरह की कोई भी बात नहीं आई, कोई डिमोटिवेट बात आप लोगों ने कभी मेरे साथ नहीं की कि आईफोन लोगी ही तो लोग तुम्हें देखेंगे, नहीं तो तुम नहीं देखोगे। कुछ न्यू आईडीज से ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि आईफोन लो तो तुम्हें लोग देखना शुरू करेंगे, नहीं तो तुम ये है तुम वो, तुम्हारे पास आईफोन है, इस तरह की डिमोटिव। क्योंकि मुझे कभी भी एप्पल या आईफोन की ज़रूरत महसूस कभी भी लाइफ में हुई ही नहीं है, तो अब जाके कैसे हो जाएगी, जबकि है ना। तो आईफोन की कोई स्टोरी यहाँ पर नहीं है। मैंने कहा है मेरे पेरेंट वो दे रहे हैं जिसकी मुझे और सबीका को ज़रूरत है, तो वो चीज़ें आ रही। यहाँ पे सेटिंग कर रही है वायर्स वगैरह की ताकि सेट आए, तो ये हम लेबर से ही इसको ठीक करवा लें ताकि कोई इशू फिर ना आए यहाँ पर। ये वायर को ना बिल्कुल सेट जो है वो कर देगी यहाँ पे। यहाँ पे पूरा स्पेस जो है खाली कर दिया, और इस पे नहीं जाइए, ये नमी जो है दीवारों में आ रही है, और ये क्यों आ रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पूरा हमने खाली कर, ये एरिया भी खाली हो गया है, और सबीका जो है यहाँ पर झाड़ू लगा रही है ताकि आराम से हम ना लेबर से ही यहाँ पर सब कुछ सेट वेट करवा लें। ऑर्डर जो है वो चला गया है, सामान जो है आज आना है, और अब देखें दूसरे के हाथ पे कोई चीज़ रहती है तो यही रहता है कि हम उन्हें रिमाइंड करवा रहे थे कि भाई जल्दी करो, लेकिन अब जल्दी जल्दी भी काम जो है आज फाइनल लास्ट, मतलब उन्होंने कहा कि बस आज सामान आना ही आना है। और आज भी आते आते सब मगरिब हो गई है, अभी तक चीज़ें नहीं आई हैं, तो वो क्या चीज़ है, तो चले मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो आप लोगों को देती ही रहती हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया मलाइका फातिमा, तुम एक्साइटेड हो मेरे गिफ्ट के लिए, तो मुझे यकीन है कि जब चीज़ देखोगी तो तुम भी याहू बोलोगी, हमारी ज़रूरत का सामान है। चलो दिखाते हैं। मे बी के अभी हमारा सामान जो है, हमारा ऑर्डर जो है वो आ चुका है। समीका की खुशी देखे, आगे चलो इतना हम हो जाते हैं। और यहाँ पे जो है सामान आ रहा है, और समीका जो है ये नहीं किचन में जो है वो आ गई है। समीका क्या कर रही हैं आप? हाँ, खुशी हो रही है, कितनी उछलने का दिल कर रहा है, जंप लगा के खाएंगी। चलो अभी सामान आ रहा है, ये तो आई हैं अभी, बाकी आ रहे हैं सामान, ये देखें ये भी आ रहे हैं सामान। मैं जो हूँ स्पेस जो है वो खाली करना शुरू करती हूँ ताकि चीज़ें जो हैं अंदर आसानी से आए। चलो सभी का तरह स्पेस खाली करो, साइटों पे करो चीज़ों को, और ये करते हैं। चले ये इसको तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। और एक चीज़ आप लोग हमारे घर में नोट करते होंगे, लेकिन आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मुझे आप लोग समझते हैं। आपने कभी नहीं कहा कि मेरे घर में डाइनिंग टेबल की चेयर्स नहीं है। चेयर्स जो हैं आज से 2 से 2.5 साल पहले जो एक एक करके रॉड की चेयर्स थी, आयरन चेयर्स थी, सारी जो है टूट चुकी हैं। उसको हमने वेल्डिंग 3 से 4 दफ़ा कराया, कोई फायदा नहीं, टूटती गई। नई चेयर्स लाने जाते थे, जो कि मैं गई भी हूँ, मैंने व्लॉग भी बनाया, हिम्मत नहीं होती थी ले पाने की, और जिसकी वजह से मुझे अंदर से अजीब लगता था, गेस्ट आते थे अजीब लगता था। तो पापा जो हैं, एक गिफ्ट तो हमारा ये आया है कि पूरा हमारा डाइनिंग टेबल का नया सेट आया है, और वो क्या आया है वो भी आपको दिखाते हैं। और एक और चीज़ आई है, और एक चीज़ ये आई है जो कि हमारे बेडरूम में जो है सेट होगी, इसका जो है नीचे का भी आ रहा है पार्ट। एक चीज़ ये आई है,
और लड़कियों वाले घर में आपको पता है कि इसकी बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे घर में ये जो है बिल्कुल ही डैमेज था, तो ये हमारे घर में आ गया और आज ही जो है मिक्सर भी आज ही सेट कर, ये जो है आज ही हम सेट करेंगे कि यहाँ का डाइनिंग टेबल कहाँ गया, वहाँ का ड्रेसिंग टेबल कहाँ गया। आज आपको पूरे घर का जो है इंटीरियर चेंज नज़र आएगा, आज सब चेंज नज़र आएगा। ये देखें ये सारा सामान, सारी चेयर्स जो आ रही, सभी का पूछे भाई लिफ्ट से ला रहे ना, लिफ्ट से ला रहे ना जी। और बच्चों की भी खुशी है, बच्चे जो है एक एक चीज़ देख, ये देखें बच्चा पार्टी, तुम लोग सब देख देख के अंदर आने दे रहे हो ना, परमिशन दे रहे हो ना, क्या पता कोई डकू वक्कू तो नहीं आ रहे, परमिशन आप लोग दे रहे हैं एकदम। ये बच्चे जो है ये बिल्कुल एकदम लगे हुए, और चलो देख लो, देख लो सब आओ, अपने अपनी शक्लें देखो सब, खेल खेल के क्या हालत हो रही है। बच्चों को ला के सबको मैं आईने में सबकी शक्लें चेक करा रही हूँ, चलो सब देखो यहाँ पे आके, सब देखो क्या क्या, तुम लोग कितने काले हो गए हो खेल खेल के। मामा लाइट से ऑन कीजिएगा, ये देखें सबका आवे का आवा देखें बिगड़ गया। फातिमा ये नहीं 2 मंथ्स है, फातिमा की क्लिप में देखो ज़रा, फातिमा फातिमा क्लिप शेयर करेंगी आप मुझसे, फातिमा क्लिप, फातिमा फ्रेंड्स फ्रेंड्स क्लिप दे दो, फातिमा क्लिप्स दे देते, क्लिप्स देते, क्लिप देते, फातिमा क्लिप दोगी आप मुझे, दे दो क्या, नहीं 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 आप लगाओ आप, और नहीं बच्चों आप लगाओ, फातिमा से अगर फ्रेंडशिप कर लो ना तो ये दे देती है, नहीं तो ये फिर मारती है। चलो सारे बच्चे अपनी शक्ल देखो, 2 महीने में तुम लोग कितने हसीन और जमील हो गए हो, सच में स्कूल वाले ना तुम लोगों को गेट से ही निकालेंगे। चलो सामान आ गया, वो देखें डाइनिंग टेबल का सामान आ रहा है, डाइनिंग टेबल का, ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल का, ये मैंने उतार लिया कि उलझ ना जाए, ये सभी का ने कहा ये उतार लो, सभी का ये पकड़ो, इसको मैंने यहाँ रख दिया और अभी साइड। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक जो है बच्चों को हयात का बड़ा बनाए और इन्हें इस काबिल बनाए कि अपने माँ बाप के जो है ख्वाबों को पूरा कराने से मामी इनके रहते किसी चीज़ का डर नहीं है, बहुत हिफाजत करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, एकदम अलर्ट रहते हैं। प्रिया आयशा और थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, थैंक यू तुम्हें, व्लॉग नाइस लगा। सभी का देखें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सभी का भी लगी हुई है व्लॉगिंग में, ये देखें, और बच्चे जो हैं आके झक झक के जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, मज़े आ गए हैं, वो सीढ़ियों से चढ़वा रहे हैं ना उनको, गाइड कर रहे हैं ऐसे करें वैसे करें, सब बच्चे मिलके कर रहे हैं, अंदर अंदर आ रहे हैं बच्चे हमारे, नहीं है ये छोटा चौकीदार यहीं पे अलर्ट है। तो आज जो है हमारे घर जो सरप्राइज़ है मम्मा पापा की तरफ से, समझे मुझे और सबीका को गिफ्ट है, सरप्राइज़ क्या है, गिफ्ट है, वो गिफ्ट ये है कि डाइनिंग टेबल का सेट है और ड्रेसिंग टेबल का सेट है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। डाइनिंग टेबल तो कोई इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि हमें तो बहुत ही प्यारा लगा, आप लोग ये बताइए कैसा है। और सबसे बड़ी बात, पापा ने यहाँ पर सिर्फ चेयर्स नहीं ली हैं, सिर्फ चेयर्स की ज़रूरत थी, पापा ने पूरा डाइनिंग टेबल शीशे वाला जो कि आजकल फैशन में आया हुआ है, पापा ने बिल्कुल वो वाला लिया है जो दिखने में इतना खूबसूरत लगे ना कि बस आंखें ही ठहर जाए। मैं दूसरों के घरों में मतलब देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्यारा लगता था, और पापा ने जो है हमें ये दिला दिया। और साथ ही यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल आया, ड्रेसिंग टेबल के यहाँ पे नट वगैरह लग के इसको सेट कर रहे हैं। चले जी, सारे जो है सारा सामान जो है वो आ चुका है, अब सब कुछ सेट वेट करके, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है सेटिंग आउट हुई हुई है, कुछ हमने उन्हीं से सेट करवाया है, बाकी ये कर वर के, और ये कहाँ से आया है, किससे हमने लिया, ये सब कुछ जो है आपको मैं वीडियो में जो है वो बताती हूँ। आपको पता है कि मैं कुछ छुपाती नहीं, और जो बात क्लियर होती है मैं आपसे क्लियर करती हूँ, तो वो मैं आपको बताती हूँ। चले फिर यहाँ पे सभी का जो है ये निकालिए, आप क्या निकाल लेंगे सभी का बताइए। टेप निकाल रही हूं, क्योंकि जब हमने लिया था ONX से, तो जो घर से हमने था तो वो घर वाले काफी ट्रेंड थे क्या, तो उन्होंने ये टेप लगा के दिया था ताकि सामान उठाते हुए ड्रॉ वगैरह खुल ना जाए। ये फैमिली ने बहुत अच्छे से इसको पैक करके दिया, काफी अच्छे से वो फैमिली ने दिया। ये सभी का यहाँ पे टेप निकालनी है, उसके बाद इसको जो है पूरा डेकोरेट करेंगे, और वो आपको गंदगी नज़र आ रही होगी, सारा सामान बेड पे फैला हुआ है, इसको ठीक है कि शुरुआत यहाँ से करते हैं। यहाँ पे सारा सामान हमारे ड्रेसिंग टेबल का जो है फैला हुआ है, और वो सब किस तरीके से डेकोर होगा भी आपको दिखाते हैं। चले जी, ड्रेसिंग टेबल तो आप लोगों ने देख लिया, डेकोरेट हो गया, पर पापा के रूम में जाने की किसी की हिम्मत नहीं है। रात के टाइम बिल्ली के गले में घंटे कौन बांधेगा, पापा देखेंगे लाइट जल रही है, सब काम हो रहा है, ओ चिल्लाएंगे मम्मा गुस्से से मुझे देख रही है, मम्मा सॉरी बिल्ली नहीं, बिल्ले के गले में, बिल्ले बिल्ले के गले में घंटी कौन बांधेगा, मम्मा आप बांध सकती है नहीं, 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 नहीं,
तो अच्छा, ये डाइनिंग टेबल के बारे में मम्मा आपने कुछ करास कराई है, मतलब अपने कुछ मशवरात जो है वो दे रही है, उनका भी दिल चाहता है मशवरे देने। मैं मशवरा बिल्कुल नहीं दूंगी, मैं ऑर्डर दे रही हूँ, ये घर मेरा है। वाह जी, हाई कमांड का ऑर्डर। सही सही है, ये डाइनिंग टेबल आप लोग भी देखते रहिए पूरा। वो मैट लगाऊंगी, मैट लगाने के बाद उसके ऊपर प्लास्टिक डाल दूंगी। सिर्फ इसलिए प्लास्टिक में डालूंगी कि मेरे बच्चे इतने निकम्मे हैं कि ये शीशा को खराब कर देंगे, कोई पानी गिरा देगा, कोई खाना गिरा देगा। मम्मा आपको क्या लगता है कितने दिन ये सब कुछ इसी तरह साफ सुथरा निखरा संवरा रहेगा? बेटा जब तक हम करते रहेंगे रहेगा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब होगी। मम्मा लेकिन हम लोग तो करते हैं लेकिन मामा करते तो अब सामान पहले वाला नहीं, हाँ पहले वाला करते थे। यहाँ पे जो है मम्मा ने बिल्कुल अपनी डायरेक्शन पे जो है सारा काम जो है करवाया है। और मम्मा वो खुफिया चीज़ भी दिखा दे, सभी का दिखा दे खुफिया चीज़ जो यहाँ का सारा सामान सभी का ने घुसा घुसा के अंदर जो है ये दो छत्ती जैसा कुछ अंदर कर दिया सारा सामान। और अब जो है अब थोड़ा सा हमारा ड्राइंग रूम जो है थोड़ा सा रूम लगेगा ना मम्मा, और बाकी ये सारी चीज़ें जो सेट वेट हो गई हैं वो मेरा और सभी का लैपटॉप है, और उसका दूसरा लैपटॉप हमारा उसके वो अपने बेडरूम में ही रखने लगा है अब वो। तो ये सब चीज़ें कच्चे जोड़े की बात की ना, हाँ महर शुएब नकवी ने बताया, उनकी सास ने उन्हें पहनाया था। तो मैंने ये देखा है कच्चा जोड़ा, हाँ, हमारे जानने वालों ने वो तो दुल्हन बन के जो ससुराल आई तो वो उसी जोड़े में आई। अच्छा, सिर्फ ये दोनों हिस्सा सिला हुआ था, हाँ बस गला ऐसे ही था, सही कॉटन का। नकवी की सास है लखनऊ की है, तो उन्होंने ये कच्चा जोड़ा कहीं उसमें कैंची नहीं लगती है। अच्छा, कहीं नहीं कि उसमें कैंची नहीं लगती है। सही है, तो ये आपने देखा हुआ है। चल फाइनली जो है सबिका की बेतहाशा जो है मेहनत के बाद, और उसने जो है हिम्मत दिखाई कि नहीं जी आज ही जो है हम लोग जो है इसको ठीक करेंगे। तो हमारा ड्रेसिंग टेबल जो है वो डन हो चुका है, वो डेकोरेट हो चुका है। चलिए जी अभी जो है हम अपने लैंप को जो है यहाँ पे ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और इसके साथ ही मुझे कहना था हिना खुर्रम थैंक यू सो मच फॉर कॉमेंट, थैंक यू सो मच भाई। हाँ भाई, मैं हमेशा जो है दुआ की अपील करती हूँ कि भाई लाइफ में जो भी हम सोच रहे हैं अल्लाह बस से कोई बिना रुकावट के इंशाल्लाह आमीन सुबह आमीन अल्लाह पाक जो है सब कुछ अच्छा अच्छा ऐसा कर दे। और यहाँ आईने में जो है पहली क्लिप में ले रही हूँ, मैं यही सोच रही यार ये इतना साफ आईना मतलब इतना साफ मिरर आ रहा है कि हम लोग तो आराम से यहाँ पे खड़े होकर जो अपना मेकअप वगैरह सब जो है ईजिली कर सकते हैं। चलें जी अब हम लैंप ऑन करते हैं फिर आप। और हीरा लाइफ आमीन सुम्मा आमीन, भाई तुमने जो है इतनी अच्छी दुआ दी, तुमने दुआ दी कि भाई अल्लाह पाक जो है सब जो है खैर खैरियत से कर दें। बस दुआओं में जो है याद रखा करो हीरा लाइफ, और बहुत बहुत शुक्रिया जजाकल्ला। साइमा फैजान थैंक यू सो मच फॉर। एक्चुअली मैं बात कुछ यूँ है कि टॉर्च वो लैम्प जल चुका है, फिर दिखाते हैं। फिर ये देख लें भाई हमारा ड्रेसिंग टेबल जो है वो तैयार हो चुका है, और उसको जो इस तरीके से हमने सेट रखा है, और इंशाल्लाह अभी इसी तरीके से इसको जो है सेट रखेंगे। और ये देखिए मेरी कितनी प्यारी प्यारी सी पिक्चर आ रही है। अभी सभी का को मिरर साफ़ करने वाला जो नहीं वो सोल्यूशन होता है वो भी आ जाएगा ना उसका, तो वो ये साफ चीज़ें जो है वो सारी जो है इसको ठीक कर देगी। चलिए मैं आपको जो है ड्रॉ भी खोल के जल्दी से दिखा देती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, आराम से खोलो। ये देखिए सारे मेकअप का सामान जो है जो हमारे वो रेड वाले बैग में रहता था वो सारा का सारा जो है इसमें जो है वो सच चुका है। उसके बाद सेकंड ड्रॉस दिखाते हैं उसमें क्या किया है सबिका ने। एक्चुअली सही से मुझे भी नहीं पता है, मैं और कामों में लगी हुई थी। अच्छा जी, सबिका ने यहाँ पे ये रखा है ज्वेलरी का सारा हमारा सामान रखा है, हमारी जितनी ज्वेलरीज हैं वॉचेस हैं सब कुछ सबिका ने यहाँ रखा है। और थर्ड फ्लोर, और मेरे ख्याल से थर्ड फ्लोर पे सबिका ने क्या रखा है, सबिका ने अपना बैग रखा है, और मेरे ख्याल से सबिका मशीन रखोगी ना तुम इसमें, हमारी हेयर मशीन वगैरह रखेगी जो कि ब्लो ड्राई मशीन है, और बालों को सीधा वीधा करने की जो मशीन है वो रखेगी। और सेकंड थर्ड फ्लोर जो फोर्थ फ्लोर में क्या है देखते हैं भाई, ये खुद नहीं सॉरी जी यहाँ पे गलती हो गई मुझसे, थर्ड फ्लोर पे सभी कहने सिर्फ अपना बैग रखा है, उसमें पत्नी और क्या रखेगी वो। और मशीनें जो है उसने यहाँ पर रखी हैं, ये वाली मशीन रखी है दो हमारे पास, ये हेयर स्ट्रेनर है, और बाकी जो है ब्लो ड्राई की मशीन वो ऊपर रखी हुई है उतर नहीं रही है, तो वो जब उतरती है तो वो रखते हैं। और ये स्टीमर है, ये सब चीज़ें जो इसने यहाँ पे रखी हैं, बाकी देखते हैं क्या करती है वो। तो फाइनल लुक जो है हमारे ड्रेसिंग टेबल की कुछ इस तरीके से यूँ जो है वो सेट हुई है।
सो यहाँ पे सब कुछ नया नया सी नई नई सी कोई वाइब्स आ रही हैं, मुझे तो बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। और अरवा अजवा थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। और अनमता शाहिद भाई जब आपने कमेंट किया तो डेफिनेटली जो है मैंने आपके कमेंट का जो है वो रिप्लाई ज़रूर देना है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, कमेंट करने का। और मुझे यहाँ पे कहना था कि महासमर थैंक यू सो मच, आप वीडियो देखती हैं कमेंट करती हैं और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत दिल से बहुत सॉरी कि मैंने आपका नाम जो है वो गलत ले लिया। एक्चुअली में क्या मसला है आप खुद भी चेक करना, आपका नाम जो है ना जब मेरे पास कमेंट पर जो YT स्टूडियो पर जो है ना ID पर आपका नाम शो नहीं हो रहा होता है, वो मुझे जो है अपनी वीडियो को प्ले के जाके आपकी ID पे जाके आपका नाम जो है पढ़ना पड़ता है, जो कि हो सकता है मैंने मतलब दूसरी दफ़ा नहीं पढ़ा होगा, मैंने आपका नाम बस माइंड में रखा और वो मैंने ले लिया। आई एम रियली 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 सॉरी और अब ऐसा नहीं होगा। महासमर थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, कमेंट करने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर दिखा दूँगी ये वाला डाइनिंग टेबल जो है ये डाइनिंग टेबल ले लिया, लेकिन इसकी सेटिंग जो है मम्मा को पसंद नहीं आ रही है। हमने 3 चेयर्स उधर 3 चेयर्स इधर लगाई है ताकि दोनों तरफ जो है स्पेस हमें थोड़ा सा मिल जाए, जिसकी वजह से फ्रिज का डोर मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रिज का डोर ना इतने मुश्किल करके इस तरीके से कोई ओपन हो रहा है, तो हमने क्या करना है कि हमने फ्रिज को ना थोड़ा सा इधर करवाना है सेट पे साइड पे। और मम्मा कह रही है चेयर्स को जिस तरीके से सेंटर्स पे लगती हैं वैसे ही चेयर्स को लगाएंगी वो, तो फिर सेट होगा। और जो हमारा पुराना वाला डाइनिंग टेबल था वो मैं दिखाती हूँ। वैसे तो OLX पे मम्मा पापा ने तो कहा था कि मतलब लेना है, हम लोग देख रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि जब बात डन हो जाए सब हमारा जो है फिर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि देखो जी टप 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 के हमारा सरप्राइज़ जो है वो आ चुका है, जिसके लिए पार्टी का इंतज़ार था। जाहिर सी बात है नया फर्नीचर घर में आ रहा है, हमारे लिए तो नया फर्नीचर है ना, हमारे लिए तो जाहिर सी बात है ये न्यू फर्नीचर है, हमारे घर में पहली दफ़ा मतलब नया आया है तो हमारे लिए तो न्यू फर्नीचर है। वैसे हमने ये OLX से लिया है, एक फैमिली जो है अपना फर्नीचर जो है वो सेल कर रही थी तो हमने उनसे ये OLX के ज़रिए लिया है। कंडीशन आपने देख लिया कितनी ज़बरदस्त कितनी परफेक्ट है, बस थोड़ा सा सभी का कह रही है कि इसमें और हम लोग अच्छा सा कलर कर देंगे ना तो इसमें बिल्कुल एक प्यारी सी चमक सी शाइन सी आ जाएगी, तो पार्टी से पहले कलर कर पाएंगे क्योंकि पार्टी भाई जल्दी है, अब बस किसी दिन भी पार्टी हो सकती है अब जब सामान आ गया है तो सभी के कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ बाकी चीज़ें जो है सेट वेट कर देंगे। और मैंने जो है आपको दिखा दिया था कि हमारा पुराना वाला डाइनिंग टेबल हम लोग ड्राइंग रूम में ले आए हैं और इसको यहाँ ये बहुत अच्छा रहा ना कि इससे यहाँ पे एक स्पेस अच्छा सा हो गया, सारा सामान जो है तरतीब से हो गया और सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हो गई। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसा लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हर घर में जो है ड्रेसिंग टेबल की बहुत ज़रूरत होती है और मैं और सभी का कोई इतने खुश हैं कि मतलब एकदम हमारी आँखें वाकई। मैं आपको एक बार फिर ड्रेसिंग टेबल दिखाती हूँ एक बार। ओहो मैं यहाँ आई हूँ और सभी का जो है ऊपर चढ़ी हुई है, क्या निकाल रही हैं आप? क्लीन कर रही हो, मशीन निकाल ली? हाँ मशीन निकाल ली। कहाँ है मशीन? बेड पर। ये देखिए ये मशीन निकाल ली है सभी ने ऊपर चढ़ के खुद ही के इसको जो है, चलो इसको सेट करते हुए दिखाओ। मैं जो इतनी एक्साइटेड हो रही है ना यहाँ पे, क्या कर रही हो? ये मैं अपने जो बालों का है सारा ये रख रही हूँ। ये सारी मशीन है स्ट्रेटनर्स मेरे पास, मेरे जो थे वो मैंने रख दिए, अब ये मैं रख रही हूँ, अब ये रख रही हैं चलें ये आप। और सभी का वो मिरर भी दिखाओ ना, हम लोग कितने अच्छे से मेकअप खुद ही यहीं पर कर लेंगे। बिल्कुल कैमरा जो है जस्टिस नहीं कर पा रहा है आपके साथ, लेकिन हम लोग ना बहुत अच्छे से क्लियर बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, है ना? कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर पा रही है। देखें सभी कहें लिपस्टिक आइस मेकअप वगैरह सब आराम से हो जाएगा ना, यहाँ पर बहुत अच्छे से सब हो जाएगा। आए हाँ ओहो क्या बात है, खुशी देखें ज़रा इनकी, खुशी देखें इनकी। चलें अब रखिए आप जल्दी से दिखाने, मैंने तो वैसे तीनों दिखा दी, आप भी फिर से दिखाना चाहेंगी? हाँ दिखा दिया, चलो रख दो इसको जल्दी से तुम नीचे। और भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, और अब जो है बहुत जल्दी जो है पार्टी हमारी हर चीज़। हाँ हाँ सब दिखाए दिखाया है, सब दिखाए, दिखा दो तुम भी दिखा दो चाहो तो दिखा। हाँ सही है, और मेकअप तो दिखाओ अपना सारा, आप भी दिखा दें भाई आपकी खुशी है। ये सब सबिका ने जो अपने हाथों से जो है सब कुछ सजाए, आई पैलेट उधर वो वाले ड्रेसिंग टेबल में पापा के, हाँ ड्रेसिंग टेबल हमने पापा के रूम में रखा है, वो मैं कल के वीडियो में आपको दिखा दूंगी वो सेट होता है तो। ये पापा वहाँ सो रहे हैं, ये वाले ड्रॉ में से बैग क्यों रखा है, क्या रखोगी इधर कुछ देखते हैं। अच्छा और ये देखें ये वाली मशीनें जो है सारी हमारी इसमें आ गई हैं, और ये जो है ये और ये भाई का सामान उस बेचारे का भी रख ही देते हैं इसमें, चलो उसका भी सामान रख। ये देखें इनको खुशी, क्या बोल खुशी हो रही है ना, ये मैं बता ही नहीं सकती। बहुत डाइनिंग टेबल ड्रेसिंग टेबल हाय अल्लाह, बस ये थोड़ी सी सेटिंग हो जाए ना तो ये चेयर्स जो है यहाँ लगा देंगे तो पूरा परफेक्ट लुक आ जाएगा। और थोड़ा सा ये सब लाना है मैट। और आप लोग ये बताइए भाई आप लोगों को डाइनिंग टेबल कैसा लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने इसीलिए पार्टी जो है पोस्टपोन की हुई थी। एक मिनट मैं भी आ जाऊँ।
इसीलिए जो है हमने पार्टी जो है थोड़ी सी पोस्टपोन करके रखी हुई थी कि सभी का की ड्रेस भी सिल जाए, न्यू फर्नीचर जो हम सर्च कर रहे थे OLX में हमें नहीं पता था हमें इतनी जल्दी इतनी अच्छी कंडीशन में जो है सामान हमारी रेंज के अंदर अंदर जो है हमें मिल जाएगा। कंफर्म नहीं था इसलिए हम नहीं बता रहे थे, हमने कहा कंफर्म हो जाए फिर बताएं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग भी जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यार अपनी मारिया को कोई इतना भी मतलब मत समझिए, कोई इतनी भी बेवकूफ़ मैं नहीं हूँ कि मैं आईफोन खरीदूंगी। मुझे तो सभी का तो कह दिया है, मुझे लगता है ये ज़िंदगी में कभी भी इतना महंगा आईफोन कभी खरीदेगी नहीं। और फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक पे हमें कर लें फॉलो, और सभीका डॉट सैयद टिकटॉक पे मेरी आईडी है, प्लीज़ उसको भी फॉलो कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और ज़रूर बताइएगा आपको मम्मा पापा का दिया हुआ ये सरप्राइज़ हमारे लिए कैसा लगा कि उन्होंने हमारे लिए डीपली सोचा, उन दोनों ने खुद कन्वर्सेशन करके सोचा और कहा कि कैसे लेना है। पापा कह रहे थे कि चलो मार्केट चलते हैं, तो हमने कहा कि नहीं OLX पे जो है सर्च करते हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर मार्केट भी निकलेंगे। मेकअप करने में इतनी मुश्किल होती थी, हमने आपके साथ शेयर भी किया था, हम शादी हम लोग यहाँ पे खड़े होकर मेकअप करते थे, आईने के पास खड़े होते थे, ट्रे पे यहाँ पे मेकअप सजाते थे, फिर वहाँ पे सारा ब्लॉग शेयर किया हुआ जो माइक की शादी हुई थी, इतना कभी फील नहीं किया। हाँ लेकिन मम्मा पापा फील कर रहे थे, और जब मौका मिला तो पूरा कर दिया हमारा ये भी। अल्लाह अल्लाह, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।